हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एसएससी पर। मैं ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट लेकर। दोस्तों, ये जो आपका सीरीज है, ये जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला है अभी आपका अगस्त में, उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज होगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट तथ्यों को। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, गुड इवनिंग चंचल देवगन जी, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। आशीष कुमार जी, नवीन विश्वकर्मा जी, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जान लें आप लोग। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश झा, ठीक है। मैं आपका जनरल स्टडीज एडुकेटर हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, बीटेक मैंने किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं बीपीएससी मेंस 2 बार लिख चुका हूँ, बीपीएससी के इंटरव्यू में 1 बार अपियर हो चुका हूँ, और रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट भी हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे अब आज के सेशन की। तो याद रखिएगा सबसे पहले दोस्तों, कि यहां पर जो आपका अनअकैडमी है, इस पर आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं आपके। बाद इसको यहां पर क्या आपको मिलेगा? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, और आपको उसका अनलिमिटेड एक्सेस भी दिया जाता है, ठीक है। और जो ये एसएससी एग्जाम के लिए जो सब्सक्रिप्शन है, वो स्टार्ट होता है कितने पर? 300 पर मंथ पर ये आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और वहां पर जितने भी एडुकेटर्स हैं, सभी एडुकेटर्स की आप क्लासेस वहां पर देख सकते हैं एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लिंक को वहां पर क्या करना है? कॉपी करना है, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी पीडीएफ से, मतलब इनके पीडीएफ के लिए इस ऐप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब बात करते हैं एसएससी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो आपके पास अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 मंथ का है, 3 मंथ है, 6 मंथ, 12 मंथ है, 24 मंथ है। जब बात करते हैं 1 मंथ का, तो ये दोस्तों 1200 का है, 3 मंथ का 3000 का है, 6 मंथ का 4800, 12 मंथ का 6000, और 24 मंथ का क्या है? 7200 है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपने पहले से एग्जाम का प्रिपरेशन किया हुआ है, अगर आप पहले से एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिया आपने, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लान है वो है आपका 12 मंथ का, ठीक है, जिसकी प्राइस कितनी है? 6000, या इसका कॉमन प्राइस कितना है? 500 है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लान है वो है 24 मंथ का, जिसकी प्राइस है 7200, ठीक है। लेकिन इसका जो पर मंथ प्राइस है वो कितना है? 300 रुपीज। बट याद रखिएगा, जब आप ये कोड लगाते हैं, कौन सा? ये मेरा कोड है ज्ञान10। इस कोड को लगाने पर आपको क्या मिलता है? 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। यानी कि ये 6000 का जो प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा? 5400। और ये जो आपका 7200 का जो प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा? 6480। यानी कि ये आपका 450 पर मंथ का होगा, और ये जो आपका शेष है, ये जो है आपका, वो 270 पर मंथ का पड़ेगा। आपको करना क्या है इसके लिए? आपको कोई भी एक प्लान क्या करना है? सेलेक्ट करना है, और आपको क्या करना है? प्रोसीड टू पे। और पे करने से पहले आप क्या करेंगे? ये कोड लगाएंगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। ये दोस्तों याद रखेंगे, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का अगर आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो उस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों, गुड इवनिंग काजू चौहान जी, स्वर्णराज सिंह जी, मुकुल सरकार जी, अमरेश बर्मन जी, प्रिंसराज राजपूत जी, शिवम हापुर जी, सभी बच्चे जुड़ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है पहला, ठीक है, और इसी तरह भी हमारी कंटिन्यू ये मॉक टेस्ट चलती रहेगी। तो सबसे पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दीजिए, और सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड, ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सलोनी कुमारी, गुड इवनिंग, नवीन विश्वकर्मा जी, इमू खान जी, मुकुल सरकार जी, एस के सईदुद्दीन जी, सभी बच्चे शेयर और लाइक भी करते रहेंगे सेशन को, ठीक है।
बहुत अच्छे। यहां पर जब दोस्तों बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं जो सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था? 1556 1556 में, किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जबकि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था कब हुआ था? 1526 में, किसके किसके बीच में? बाबर और किसके बीच में? लोदी के बीच में हुआ था। याद रखेंगे इस लोदी से, याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली के अंदर है लोदी गार्डन, इसी लोदी गार्डन को क्या कहा जाता है, इसी लोदी गार्डन का नाम क्या है दोस्तों? वेलिंगटन पार्क भी है। इस बार सीजीएल ने ये सवाल पूछा था, हो सकता है आगे भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। वेलिंगटन पार्क किसे कहा जाता है दोस्तों? लोदी गार्डन का ही दूसरा नाम क्या है? वेलिंगटन पार्क है, आपको ये भी याद रखना है। हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों, तो हुमायूं नामा नामक जो जो दोस्तों किताब है, ये जीवनी है किसकी? हुमायूं को, जो लिखने वाली कौन है? गुलबदन बेगम। याद रखिएगा क्या नाम है उनका? गुलबदन बेगम, जो कौन है? हुमायूं की सिस्टर है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक जो अकबर है, अकबर की जीवनी का नाम क्या? अकबर नामा जो लिखी है वो किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है अबुल फजल ने। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। और दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सभी बच्चे सवाल का सही से उत्तर देंगे और लास्ट में मैं सभी के मार्क्स भी पूछूंगा, एक एक बच्चों के, ठीक है ना। सभी बच्चों के मैं लास्ट में मार्क्स भी पूछूंगा, तो याद रखिएगा। और सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना सेशन को। दूसरे सवाल पर चलता है दोस्तों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। बाणभट्ट ए ग्रेट स्कॉलर लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, बाणभट्ट एक महान विद्वान किस शासक के शासनकाल में रहते थे? अशोक, हर्ष, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट इसका जवाब देंगे। एसएससी के अंदर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि एसएससी किससे प्रीवियस ईयर पेपर से और खास करके हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछती है, इसका आप लोगों को जवाब देना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर वाणभट्ट से याद रखिएगा, इन्होंने एक किताब लिखी है, कौन सी? हर्षचरित किताब जो लिखी है वो किसने लिखी है? वाणभट्ट ने लिखी है। तो यही हर्षचरित से ही याद रखना है क्या आपको? हर्ष। तो ये किस उससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये किसके दौरान थे? हर्षवर्धन के दौरान थे। और इस हर्षवर्धन ने दोस्तों एक किताब हर्षवर्धन ने भी लिखी है, नागनंद नामक जो किताब है ये किसने लिखी है दोस्तों? ये हर्षवर्धन ने लिखी है। इस चीज को याद रखेंगे। कनिष्क के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, कनिष्क ने जो है दोस्तों चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता करी थी किसने? कनिष्क ने करी थी। जो कि किस वंश का शासक था दोस्तों? ये कुषाण वंश का शासक था। और दोस्तों फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ कहां पर था? ये हुआ था दोस्तों कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट यहां तक। और अशोका की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक है, इन्होंने जो दोस्तों किस बौद्ध संगीति का इन्होंने क्या किया था, किस बुद्धिस्ट काउंसिल का इन्होंने अध्यक्षता किया था, यह आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं अजातशत्रु, जो कहां पर हुआ था दोस्तों? राजगीर में। सेकंड जो हुआ था दोस्तों ये किसने किया था? कलाशोक, जो कहां पर हुआ था दोस्तों? जो हुआ था वैशाली, है ना। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना किसने करी थी? अशोक, जिसकी अध्यक्षता, जो मतलब किसके शासन काल में हुआ था? अशोका के शासन काल में हुआ था। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा प्रश्न है, जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? फटाफट कमेंट में बताएंगे, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा और शेयर भी करते रहिए, सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग, है ना।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, उदयन। यहां पर कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। बिल्कुल करेक्ट है, किसने किया था? किस वायसराय के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन। और ये लॉर्ड कर्जन खुद एक क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये 1906 में हुआ था। बिल्कुल सही है, किसने किया था? तो आगा खान ने किया था दोस्तों। कहां पर? तो याद रखिएगा ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना करी थी मुस्लिम लीग की, किसने? आगा खान ने। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट जो हुआ था दोस्तों बिल्कुल कहां पर हुआ था? याद रखिएगा 1907 में हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने, ठीक है। जिसमें कि गरम दल और नरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, ठीक है। और दोस्तों इंडिया का जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर 1909 में नहीं बल्कि कब हुआ था? 1912 में। जबकि घोषणा कब हुई थी? उसकी घोषणा हुई थी 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आए थे, कहां? भारत आए थे, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तब जाकर क्या हुआ था आपका? 1911 में घोषणा हुआ। और इसे लागू कब किया गया था? 1912 में लागू किया गया था। 1909 के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, 1909 में एक रिफॉर्म आया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। और ये जो मिंटो साहब है ना, याद रखिएगा, जो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे, इनको कहा जाता है जो हमारे देश के अंदर जो कॉम्यूनल इलेक्टोरल सिस्टम, जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, इसका जो पिता कहा जाता है दोस्तों वो किसे? लॉर्ड मिंटो को ही कहते हैं, याद रखिएगा। इस सूरत से याद रखेंगे दोस्तों, इसी सूरत में क्या है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट का क्या है? हेडक्वार्टर भी है। और याद रखिएगा ये सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। यानी कि इसका जो हुआ था 1912 में हुआ था। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगांतर? जुगांतर जो पत्रिका है दोस्तों, जुगांतर जो जो था, इसके पहले संपादक कौन थे? बरिंद्र घोष, विपिन चंद्रपाल, जतेंद्रनाथ मुखर्जी या भूपेंद्र दत्त? इसका आप लोग जवाब देंगे। साथ साथ शेयर करते रहेंगे सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग। सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। बहुत अच्छे, घनश्याम गुप्ता जी, मुकुल सरकार जी, अमरेश बर्मन जी, बिल्कुल। पहला सेंसस जो था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में। और मेयो कॉलेज कहां पर है? अजमेर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शेयर और लाइक करते रहें सभी बच्चे सेशन को, ठीक है। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों जुगांतर, जुगांतर जो है दोस्तों अखबार, इसकी शुरुआत कहां पर? कोलकाता में हुई थी। कब? 1906 में, है ना। और इसका इसका जो पहले इसके जो संपादक हुआ करते थे वो क्या थे दोस्तों? भूपेंद्रनाथ दत्त, याद रखिए। जबकि भारत का सबसे जो पहला अखबार हुआ करता था उसका नाम था दोस्तों बंगाल गजेट। क्या नाम था? बंगाल गजेट। ये भारत का सबसे पहला अखबार था जो अंग्रेजी भाषा में छपता था, जिसके दोस्तों संपादक जे ए हिक्की, इसने दोस्तों इसकी शुरुआत करी थी। और भारत का सबसे पहला हिंदी अखबार जो था उसका दोस्तों नाम था उदत मार्तंड, उदत मार्तंड, ये इसका क्या हिंदी पहला हिंदी अखबार था भारत का, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, द रिवर ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत, यानी कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो के रूप से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज या तीस्ता। फटाफट जवाब दें इसका, ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए सभी बच्चे सेशन को, ठीक है। बहुत अच्छे, मोहित मलिक जी, शिवम हापुर जी, अमरेश वर्मन जी, अर्पिता जी, मुकुल जी, नवीन विश्वकर्मा जी, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र है जो कि भारत की सबसे क्या चौड़ी नदी है, ठीक है ना, सबसे विड्थ जिस नदी का ज्यादा है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र ही है। और यही नदी दोस्तों असम में एक नदी द्वीप बनाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? माजुली। ये जो माजुली नदी द्वीप है याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा वहां जो आपका
बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। और जमुना के साथ जब पद्मा, पद्मा यानी जैसे बांग्लादेश में क्या गंगा को पद्मा कहते हैं, ये दोनों जब मिलती है दोस्तों तो किस नदी का निर्माण होता है आप लोग जानते हैं, तब जाकर वहां पर कौन सी नदी बनती है, मेघना नदी बनती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ही दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदर बन डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदर बन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और इसलिए याद रखेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी कहां पर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहां पर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इस चीज को भी आपने याद रखना, यहां पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता है इसके कारण दोस्तों इसे सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा आप लोग ये बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता कब वो किया गया था, कब इस पर हस्ताक्षर किया गया था, फटाफट आप बताइए। ठीक है, फटाफट आप लोग बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, और ये जो सुंदरबन है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का कैसा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, याद रखिएगा किस प्रकार का फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिए सभी बच्चे वीडियो को, याद रखिएगा इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कब, 1960 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा, हल्दिया, बॉम्बे हाई, नायवेली या फिर डिगबॉय। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, साथ साथ सभी लोग शेयर भी करते रहिए सेशन को, लाइक भी करते रहे सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। जब बात करते हैं दोस्तों हल्दिया, ये हल्दिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, और इसका भी नाम क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या कर दिया गया इसका नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया कर दिया गया। ठीक है, बॉम्बे हाई दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो बॉम्बे हाई है सबसे ज्यादा जो तेल का जो उत्पादन होता है ना दोस्तों, ये कहां से, बॉम्बे हाई से ही होता है हमारे देश में कच्चे तेल का। और नेवेली जो है दोस्तों ये किसका, ये कोयला का, क्या है, कोयला का दोस्तों क्या है, भंडार है। और यहां पर कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला मिलता है, जो कहां पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है। और डिगबॉय दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना जो ऑयल फील्ड है वो कौन सा है दोस्तों, डिगबॉय। ठीक है, और याद रखिएगा ये कहां पर है, असम में। और दोस्तों यहां पर जिसका रिफाइनरी है वो कौन सा है दोस्तों, IOCL या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मुद्दे पर चलेंगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which from the following इज अ लैंड लॉक्ड सी, इसमें से कौन सा एक लैंड लॉक्ड सी है, यानी कि स्थल रुद्ध समुद्र है, आपको ये बताना है, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दें। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए और शेयर भी करते रहिए सभी बच्चे, सेशन को शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे, और ये आपका प्रतिदिन चलता रहेगा, प्रतिदिन ये आपका मॉक टेस्ट चलेगा CHSL के एग्जाम तक। ठीक है, यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले समुद्र की दूरी किसमें मेजर करते हैं हम लोग, नॉटिकल माइल में, किसमें मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल में कितना, 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की गहराई किससे मेजर करते हैं दोस्तों, फादोमीटर से। ठीक है, और एक फादम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं, याद रखिएगा एक फादम में। इसके बाद की अगर बात करें समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि समुद्र या आसमान, इस दोनों का ही नीला रंग किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों जो इसमें लैंड लॉक्ड सी है वो कौन सा, अराल सागर है। और अराल सी दोस्तों किसके किसके बीच है, तो याद रखिएगा ये कजाकिस्तान और किसके बीच में है, उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके बीच में दोस्तों ये अराल सी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच में ये अराल सागर है, तो अराल सागर किन दो देशों के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट, तो अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या आइसलैंड। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए, साथ साथ जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, है ना, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग क्या करें, शेयर करें, है ना।
जब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, जो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है यहाँ पर, वो आप लोग जानते हैं कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड जो नदी द्वीप है ये कहां पर है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा, यही ग्रीनलैंड जो ये सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। हमारा प्रश्न है आपसे, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ उसका नाम क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो कोरल रीफ है, प्रवाल भीति है, उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भीति ये कौन सा है आपको ये बताना है, जल्दी से आप लोग बताएं, इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। बहुत अच्छे, काजू चौहान जी, प्रीति सिंह राजपूत जी, अमरेश बर्मन जी, निकिता यादव जी, घनश्याम गुप्ता जी, श्रवणी कुमारी जी, बहुत अच्छे, अमरेश बर्मन जी, मोहित मलिक जी, बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप, जो हमारा कोरल रीफ है वो कौन सा है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी कहां पर है दोस्तों, ये भी है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में ही। इस चीज को आपको याद रखना है। और ये जो ग्रेट बैर जो कोरल होता है ना दोस्तों, कोरल का जो सबसे आउटर बॉडी होता है ना, प्रवाल भीति जो बनी होती है उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो किसका बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लाइम स्टोन या चूना पत्थर भी कहते हैं। इस चीज को आप याद रखें। बहुत अच्छे, अमरेश बर्मन जी, अर्पिता जी, काजू चौहान जी, विशाल वशिष्ठ जी, बहुत बढ़िया, प्रीति सिंह राजपूत जी, सभी बच्चे बेहद शानदार उत्तर दे रहे हैं। अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ताजे पानी का झील इसमें से कौन सा है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दें, जल्दी से इसका आप लोग सभी बच्चे जवाब दीजिएगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़ा जो ताजे पानी का झील है, ठीक है, वो कौन सा है इसमें, ठीक है। कई बच्चे यहां पर लेक विक्टोरिया बता रहे हैं, कई बच्चे लेक सुपीरियर बता रहे हैं। हाँ, सबसे यहां पर बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये देखिए बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये आपसे याद रखना है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा वो कौन सा है इसमें से, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, लेक बायकाल है। कौन सा है, लेक बायकाल, है ना। और ये लेक बायकाल कहां पर है तो याद रखिएगा रसिया में है। कहां पर, रसिया में, कहां पर है रसिया में, वही रसिया जिसकी करेंसी दोस्तों क्या, मॉस्को, और जिसका दोस्तों कैपिटल क्या, मॉस्को, और जिसकी करेंसी क्या है, रूबल, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं रसिया, रसिया जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है, रसिया में ही है। हमारा प्रश्न है आपसे, भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है उसका क्या नाम है आप लोगों को ये बताना है। भारत की जो सबसे लंबी झील है ये आपको बताना है क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लेक बायकाल इसका करेक्ट उत्तर होगा, ना ही सुपीरियर होगा ना ही विक्टोरिया होगा। क्लियर है ना पॉइंट। रुचि कुमारी जी, यहां पर बाय वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आयतन के हिसाब से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है क्या होगा इसका, सी होगा, मतलब बायकाल होगा। ठीक है, क्लियर है, पानी के मात्रा के हिसाब से पूछा जा रहा है अमरेश बर्मन जी। ठीक है, याद रखिएगा हमारे देश के अंदर जो सबसे लंबी झील है कौन सी है, वेम्बनाद लेक, वेम्बनाद लेक है। और वेम्बनाद लेक दोस्तों कहां पर है, केरला में है, याद रखिएगा। और इसी लेक के पास जो हमारे देश का सबसे छोटा हाईवे NH-47A, यानी कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो भी दोस्तों कहां पर है, इसी केरला में, इसी वेम्बनाद लेक के पास ही है। कौन सा, NH-47A। इसी तरह आप लोग शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। यही से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेक याद रखिएगा, जो चिल्का लेक है कहां पर है, यह आपका कहां पर, उड़ीसा में। याद रखिएगा दोस्तों पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में।
कोलेरू लेक है दोस्तों, ये भी कहां पर है याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। लोनार लेक दोस्तों कहां पर है, लोनार लेक जो है दोस्तों ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। सांभर लेक दोस्तों कहां पर है, सांभर लेक याद रखिएगा ये कहां पर है, ये आपका राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट कुछ लेक है जहां से आपके सवाल बनते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वॉज मूव्ड बाय, यानी कि सभा की विवेचना को निर्देशित करने के लिए उद्देश्य संकल्प या फिर जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, वो किसके द्वारा लाया गया था, आप लोगों को ये बताना है। पॉलिटी का सवाल है तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। साथ साथ आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर को क्या, सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बिल्कुल वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन आइलैंड है, वहीं पर आपका NH-47A हाईवे पाया जाता है। बिल्कुल आशा कुमारी जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। यहां पर जब बात करते हैं हम लोग इस सवाल की, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कि दोस्तों शुरू में कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। पहले प्रोटम स्पीकर कौन बनते हैं, सचिदानंद सिन्हा बनते हैं, जबकि परमानेंट स्पीकर कौन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। जो दोस्तों इसकी दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, और इसी 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे संविधान सभा के द्वारा कब, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था दोस्तों, पारित किया गया था। और आगे चलकर यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है क्या बनता है, जाकर हमारे देश का, हमारे संविधान का क्या बनता है, प्रियम्बल, या दोस्तों प्रियम्बल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। हमारा आपसे प्रश्न है, हमारे संविधान के अंदर कितने प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, यह आप बताइए। अर्पिता सरकार जी, बिल्कुल आर्टिकल जो है 79 पार्लियामेंट से संबंधित है, 80 राज्यसभा से और 81 किससे है, लोकसभा से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। स्टडी पॉइंट जी, कोई बात नहीं, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, है ना, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि जो उद्देश्य, जो हमारा जस्ट, हमारे संविधान में कितने प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, याद रखिएगा 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई, कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, इन तीनों न्याय की बात करी गई है हमारे संविधान के अंदर। अगला सवाल आपके इसके, ये कैम मुंशी के बारे में याद रखिएगा, ये जो कैम मुंशी थे दोस्तों, ये क्या थे, ये दोस्तों वर्क कंडक्शन कमेटी जो था, वर्क कंडक्शन कमेटी, कार्य संचालन समिति के क्या थे, हेड भी थे, और दोस्तों ये याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य भी थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी वो सबसे बड़ी समिति हुआ करती थी संविधान सभा की, जिसमें टोटल 7 सदस्य और जिसके हेड कौन हुआ करते थे, B.R. अंबेडकर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का क्या, वास्तुकार या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। सेशन को सभी बच्चे शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। आप लोग यहां पर कहने के लिए 25 सवाल है, लेकिन आपके 100 से ज्यादा सवाल होंगे आपके इस सेशन के अंदर, आप देखेंगे। और ये जो भी CHSL का जिनका भी एग्जाम है या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसमें काफी आपका क्या होगा, हेल्पफुल होने वाला है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, राज्यसभा मेंबर हैज टेन्योर ऑफ डैश ईयर, राज्यसभा मेंबर का टेन्योर कितने दिनों का होता है। बिल्कुल अर्पिता जी, जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट जो होता है 214 में, ना कि 124 में होता है हाईकोर्ट, और 124 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर राज्यसभा की अगर बात करें तो याद रखिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक कैसा हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, कैसा होता है, परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं, वर्तमान में 245, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, जिसमें कि याद रखिएगा दोस्तों ये जो 245 है, इस 245 में 233 क्या होते हैं, 233 इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, इलेक्टेड बाय MLA ऑफ स्टेट, किसके द्वारा, राज्य के जो MLA होते हैं, कैसे MLA, जो MLA निर्वाचित होकर आते हैं, उन MLA के द्वारा इन 233 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। और 12 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, इनको कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम कहां से, तो याद रखिएगा
किससे? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करता है? इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और ऐसा प्रावधान किसमें? हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में दिया गया है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितना होता है? 6 ईयर। और याद रखिएगा हर 2 साल पर 1/3 तिहाई, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? इसके रिटायर भी हो जाते हैं। हमारा प्रश्न है आपसे कि हमारे देश के अंदर जो ऐसा प्रावधान लिया गया ये किस देश के संविधान से लिया गया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान ये कहां से लिया गया? आप लोगों को ये बताना है। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ना, नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, याद रखिएगा। और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी दोस्तों इसी चैनल पर कब? सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो इस क्लास को लेना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग कहां से लिया है, हमने ऐसा हमने कहां से लिया है कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है पॉइंट? ऐसा हमने कहां से लिया है? याद रखिएगा दोस्तों ऐसा हमने लिया है आयरलैंड से लिया है। अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट, यानी कि जिस समय इमरजेंसी होती है इमरजेंसी के दौरान सारे जो आपके मौलिक अधिकार है निलंबित कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ की स्वतंत्रता जिसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 19 के अंदर की गई है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसकी भी चर्चा आर्टिकल 19 में की गई है, जीवन जीने की स्वतंत्रता ये दोस्तों किसमें? आर्टिकल 21 में बात की गई है, ठीक है। और इसका भी जो है दोस्तों सभा करने का अधिकार ये भी आर्टिकल 19 के अंदर है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो इमरजेंसी के दौरान कोई भी इमरजेंसी, जैसे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक होता है दोस्तों कौन सा, याद रखिएगा एक होता है नेशनल इमरजेंसी किसके तहत, आर्टिकल 352, इसके बाद होता है कौन सा प्रेसिडेंट रूल, कौन सा आर्टिकल 356, और एक होता है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी जो किसके तहत, आर्टिकल 360 के तहत। हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, इस चीज को याद रखेंगे। और दोस्तों इमरजेंसी जो लगाने का अधिकार होता है वो किसको होता है? प्रेसिडेंट को होता है। और कोई भी इमरजेंसी लगी हो तो हमारे देश के अंदर 2 जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी बात करी गई है आर्टिकल 20 के अंदर। और आर्टिकल 21 में दोस्तों किसकी बात करी गई है, आर्टिकल 21 में बात करी गई है जीवन जीने के अधिकार की बात करी गई है। यानी कि ये जो सी नंबर है इसका क्या होगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इस चीज को याद रखेंगे। बिल्कुल निक्की यादव जी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रीति सिंह राजपूत जी, शैलेश कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी प्रकार सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। काजू चौहान जी बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। जब बात करते हैं दोस्तों हमारे संविधान का, जो मूल संविधान था उसमें कितने 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन याद रखिएगा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा एक आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 31 जिसमें हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर इसे एक कैसा अधिकार बना दिया गया, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। और वर्तमान में इस राइट टू प्रॉपर्टी को किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 300A या अनुच्छेद 300K में इसे डाल दिया गया है, किसे, इस राइट टू प्रॉपर्टी को, इस चीज को भी याद रखेंगे। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इसके आगे तो हमारा प्रश्न है आपसे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 368 में है, लेकिन ये हमने लिया कहां से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहां से अपनाया गया है, आपको ये बताना है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब देना है आप लोगों को। साथ साथ सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों को सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि ऐसे ही आपके लिए सीरीज लाता रहूं, ठीक है, ऐसे आपका जो है वो करता रहो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जल्दी से इसका जवाब देंगे कि हमने कहां से लिया, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसे हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीकन संविधान से लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोस्तों कहां से हमने अपनाया, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो इसे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दोस्तों इसे पार्ट 4A में जोड़ा गया,
ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 51A है, याद रखिएगा। और जिस समय हमारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, जिसमें यह कहा गया हर गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि ये 6 से 14 वर्ष को बच्चों को वो कहां भेजे, विद्यालय भेजे, ऐसा ही 11th जो ड्यूटी है जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए कमिटी दोस्तों गठित की गई थी। इस कमिटी के गठन पर इसे जोड़ा गया है, कौन सी कमिटी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। और इसे दोस्तों हमने कहां से लिया है, इसे लिया है दोस्तों रशिया के संविधान से। कहां से लिया है, रशिया के संविधान से लिया है हमने, क्या यहीं से लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, और यहीं से दोस्तों क्या अपनाया हमने, 5-ईयर प्लान, 5-ईयर प्लान हमने यहीं से अपनाया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि जो संसद की जो गतिविधि है उसमें एक होता है जीरो आवर, शून्य काल का शुरुआत किस देश में सबसे पहले किया गया था, शून्य काल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई थी, ये आपको बताना है। अमरेश बर्मन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, आर्टिकल 21A, इसमें दोस्तों बात करी गई है किसकी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की, जिसे दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। लेकिन इसे जोड़ा कब गया था संविधान में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, फटाफट हमारा जवाब देंगे आप लोग कि जीरो आवर की शुरुआत सबसे पहले किस देश के संविधान में की गई थी। सेशन को आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों ये जो प्रश्न काल की शुरुआत है ये इंडियन पार्लियामेंट का देन है, यानी कि सबसे पहली जो इसकी शुरुआत है वो कहां पर, भारत के संविधान, भारत के संसद में ही हुई थी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल था पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंड और रेमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कॉन्विक्टेड पर्सन इज वेस्टेड इन द, यानी किसी भी जो अपराध, कोई भी दंडित व्यक्ति है, कोई भी दोषी व्यक्ति है, उसकी सजा को माफ करने या निलंबित करने या हटाने की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा और शेयर करते ना सभी बच्चे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को क्या कीजिए दोस्तों आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा सेशन को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है आप लोगों ने। और सुबह 6 बजे आपकी किसकी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों को आना है। चलिए, जब हम लोग दोस्तों इस सवाल की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये जो अधिकार होता है ये किसे होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है। और राष्ट्रपति एकमात्र वो होते हैं जहां पर दोस्तों आप जो आर्मी कोर्ट होता है, आर्मी कोर्ट के द्वारा जो सुनाया गया सजा होता है उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे होता है, राष्ट्रपति को ही होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। जब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो किया गया है दोस्तों ये किसमें किया गया है, आर्टिकल 124 में। और जो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसका प्लेस का जो बात किया गया वो कहां पर, वो नई दिल्ली में बात किया गया है, इसका प्लेस होगा। इस चीज को भी आपने याद रखना है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न है आपसे, राष्ट्रपति को जो ग्रैंड पार्डन यानी कि किसी भी किसी के भी सजा को माफ करने का जो अधिकार दिया गया है यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अमरेश बर्मन जी ये अभी हमारे उसमें नहीं है, जैसे ही कुछ चेंजेस होता है तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा चेंज कराने का। ठीक है, आपको ये बताना है राष्ट्रपति को जो किसी के सजा को माफ करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। आप लोग सेशन को शेयर करें, बिल्कुल अभिराज जी ये सेशन आपका डेली चलेगा जब तक आपका CHSL का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपका ये सेशन चलेगा। आर्टिकल 72 के अंदर है, याद रखिएगा। आर्टिकल 123 के अंदर क्या है, याद रखिएगा। आर्टिकल 123 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 111 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति के वीटो पावर की बात करी गई है ना, किसकी बात करी गई है, वीटो पावर की बात करी गई है। आर्टिकल 143 के अंदर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, यह आर्टिकल 143 के अंदर बात करी गई है। आर्टिकल 243 में दोस्तों किसकी बात, किसे क्या अधिकार, जो पंचायत हैं दोस्तों, पंचायत
पंचायत और नगर पालिका उसे संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 343 के अंदर किसकी बात करी गई है, याद रखिएगा आर्टिकल 343 में राजभाषा की बात करी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी गई है, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 351 इसके अंदर बात करी गई हिंदी की विकास, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करी गई है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। हमारा दोस्तों प्रश्न है आप लोगों से, हमारा प्रश्न है आप लोगों से, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 72 इसका सही उत्तर है, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, है ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, यानी कि जो नेशनल एंथम है इसका, इसको कब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 24 जून 1950, फटाफट इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रिंसराज सिंह जी, घनश्याम गुप्ता जी, नीतू जोशी जी, आशु पांडे जी, बहुत बढ़िया, शैलेश कुमार जी, बहुत अच्छे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, शैलेश कुमार जी, ठीक है। सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग, ठीक है। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, वो कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और इसी दिन दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, नेशनल फ्लैग को भी इसी दिन अपनाया गया, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम लोग बोलते हैं उसको दोस्तों, उसको उसके डिजाइनर कौन थे, उसके डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया, क्या नाम था उनका, पिंगली वेंकैया उसके डिजाइनर थे। याद रखिएगा दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है गन मन, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको दोस्तों पहले भारतीय हैं जिनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसके लिए, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक है ना। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था गीतांजलि, इसी के लिए उनको क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसी इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों याद रखिएगा जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने नाइटहुड की अपनी उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो हमारा प्रश्न आपसे, हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के, इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को ये बताना है। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। बांग्लादेश का जो दोस्तों राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, इसके भी दोस्तों, इसके भी रचयिता कौन है, इसके भी रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि याद रखिएगा दोस्तों हमारा जो दोस्तों राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया राष्ट्रीय गीत, जिसका दोस्तों नाम क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, ये कहां से लिया हमने, आनंद मठ से लिया, और इसके रचयिता कौन, वंकिम चंद्र चटर्जी, वंकिम चंद्र चटर्जी ये इसके रचयिता हैं, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना विद डेट, डेट के साथ बताना है आप लोगों को। प्रिंसराज राजपूत जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद हुसैन जी ने सही जवाब दिया है, अर्पिता सरकार जी ने सही जवाब दिया, बाकी बच्चे जवाब दीजिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल आरव सिंह जी, ठीक है। यहां पर जब बात करते हैं तो याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को हुई थी, इस चीज को याद रखना। और इसके पहले जो सीजेआई बने थे उनका नाम क्या था, हीरा लाल जयकानिया, एच जे कानिया, ये पहले सीजे आई थे, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। शेयर करा सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा, लाइक करा सभी बच्चे सेशन को। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, द मेजर एम ऑफ ए कंट्री टू डिवैल्यू इट्स करेंसी, किसी देश का अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक्स का सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है ना, करेंसी की वैल्यू कम करना, यानी कि जैसे $1 अगर 60 रुपए का है और $1 क्या हो जाए, 60 रुपए की बजाय क्या हो जाए, 65 रुपए का हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि विदेशी करेंसी जो है उसके मुकाबले हमारा रुपया का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। यानी कि पहले मतलब $1 मात्र 60 रुपए का हुआ करता था, लेकिन $1 अब कितने, 65 रुपए, यानी कि 65 रुपए में अब हम $1 खरीद सकते हैं, पहले 60 रुपए में $1 खरीद सकते थे, यानी कि रुपए का वैल्यू यहां पर क्या हो रहा है, गिर रहा है,
है ना। और ऐसा करने का कारण क्या होता है दोस्तों, जो एक्सपोर्टर होते हैं ना, एक्सपोर्टर जब किसी सामान को बाहर भेजते हैं और अगर उन्हें डॉलर में क्या होता है पेमेंट मिलता है, अगर 100 डॉलर का पेमेंट मिला तो पहले दोस्तों अगर 60 रुपए का हुआ करता था 6,000 रुपए मिलते, लेकिन जैसे 65 रुपए का हुआ तो कितने रुपए मिलेंगे उसे, 6,500 रुपए मिलेंगे, यानी कि 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो इससे जो एक्सपोर्टर है एक्सपोर्ट को क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, इनकरेज मिलेगा, यानी कि एक्सपोर्ट को निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए करेंसी का क्या किया जाता है, डिवैल्यूएशन किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करता है ना वो है चाइना। चाइना जो है दोस्तों याद रखिएगा, जिसकी करेंसी क्या है, युआन है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रेनमिनबी, है ना, ये हमेशा क्या करता रहता है अपने करेंसी को क्या करता है डिवैल्यूएट करता रहता है, ताकि वो, क्योंकि चाइना जो है क्या है वो एक सबसे ज्यादा क्या है एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है, वो इंपोर्ट कम करती है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। क्लियर है ना पॉइंट, समझ में आ गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डियर मनी रेफर्स टू मनी विथ, डियर मनी किस प्रकार से संबंधित है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेशन या फिर इन्फ्लेशन। फटाफट इसका जवाब दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेशन को आप लोग, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को क्या करें दोस्तों, शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन विश्वकर्मा जी आप बाद में देख लीजिएगा, नीतीश कुमार झा जी, बिल्कुल मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, ठीक है, और इसी भागलपुर में याद रखिएगा विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है, और भागलपुर के दोस्तों कहलगांव में ही याद रखिएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। अब हमारा प्रश्न भी है आपसे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किसने करी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, आप लोगों को कमेंट में बताना है, जल्दी से फटाफट आप लोग बताएं। और सभी बच्चे एक बार 100 पार कर दीजिए शेयर करके, है ना, सेशन को शेयर कर दें सभी लोग, है ना। अर्पिता सरकार जी, पीडीएफ आज अभी टाइम नहीं मिल पाया है इतने कंटेंट में, है ना, तो मैं अभी सभी सारे पीडीएफ को मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है ना। यहां पर जब बात करता है दोस्तों डियर मनी, डियर मनी का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब पैसा क्या हो महंगा हो, जब ब्याज की दर क्या हो उच्च हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर मनी, और जब कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं चीप मनी कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब समय के साथ किसी भी वस्तु के प्राइस में क्या हो रहा है वृद्धि होता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का, वही आरबीआई जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इस आरबीआई का जो दोस्तों नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण, वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ, और दोस्तों आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख, यह भी आपको याद रखना। क्लियर है पॉइंट, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा दोस्तों, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, धर्मपाल ने करी थी, वही धर्मपाल दोस्तों जो पाल वंश के क्या हुआ करते थे शासक, और पाल वंश के जो दोस्तों स्थापक थे उनका नाम क्या था, गोपाल, गोपाल ने दोस्तों पाल वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी, इस चीज को भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, प्राउन्स बिलोंग टू द फाइलम, प्राउन यानी झींगा जो है ये किस संघ से संबंधित है, ऑर्थोपोडा, निडेरिया, इनकॉर्डा, इकाइनोडर्मेटा या कॉर्डेटा, इसका सही उत्तर बताइए। क्लियर है, कोई बात नहीं है समीर सैम जी, जैसे सेशन अपलोड होता है जब भी आपका नेटवर्क आ जाए तो आप लोग देख लेंगे इस सेशन को, और शेयर आप लोग करते रहिए दोस्तों, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो नए छात्र देख रहे हैं वो क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली आपकी ये क्लासेस इसी 11 बजे ही होगी, और आपकी सुबह 6 बजे 6 AM पर क्या होगी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, इसकी क्लास आपकी होगी, याद रखेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं दोस्तों प्राउन्स, प्राउन्स जो होते हैं किस संघ से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा जो दोस्तों सबसे बड़ा फाइलम भी है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग भी है, कौन सा, ऑर्थोपोडा, यही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इस चीज को याद रखेंगे। हमारा प्रश्न है दोस्तों की जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जगत कौन सा है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आप लोगों को यह बताना है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, वही समय अभी अवेलेबल है, ठीक है, उसी समय पर क्लासेस होगी, लिख कीजिए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है प्रिंस राज सिंह जी, ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, जो प्राउन है मतलब जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा,
मेरी क्लास नीतीश कुमार जी आपकी 6 बजे सुबह इसी चैनल पर और रात के 11 बजे, ठीक है ना, इस समय 2 समय आपकी क्लास होती है, ठीक है। याद रखिएगा प्लांट किंगडम का जो सबसे बड़ा वर्ग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में भी सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, एल्गी, एल्गी या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल वर्ग कहते हैं। और इस एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फाइकोलॉजी कहते हैं, है ना। और एल्गी अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। एल्गी का जो दोस्तों सेल वॉल बना होता है किससे, सेलुलोज से। इसी सेलुलोज से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, रेयॉन। और इसी रेयॉन को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं या कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। और सिल्क वॉर्म का जो उत्पादन है भाई साहब, याद रखेंगे, सिल्क वॉर्म का जो उत्पादन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, ठीक है। तो इतने जितने भी मैं फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, एक एक फैक्ट आपको दिमाग में फिट रखना है, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे प्रश्न को सॉल्व करने में। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगाई इन वाटर टैंक्स इज, यानी कि किसी वाटर टैंक में कवक को मारने के लिए इसमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है, ठीक है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ खान जी, कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई या कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में आपका क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। आप लोगों को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है। यहां पर जब बात करते हैं फंगाई की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी। इसका दोस्तों ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसका सेल वॉल जो बना होता है किससे, काइटिन से बना होता है। और इस पानी के टंकी में जो दोस्तों फंगाई को मारने के लिए जिसका यूज करते हैं वह है कॉपर सल्फेट। इसी कॉपर सल्फेट को दोस्तों ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा भी कहते हैं, जबकि व्हाइट विट्रियोल किसे कहा जाता है, जिंक सल्फेट को। और जबकि दोस्तों ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। इसे क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं, याद रखेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसे कहा जाता है दोस्तों एप्सम सॉल्ट, या इसे क्या कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। और ये जो HNO3 है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड, इसी के साथ दोस्तों जब HCl मिलाते हैं किस रेशियो में, 1:3 में, तो ये दोस्तों क्या बनाते हैं, HNO3 और HCl, ये दोनों मिलते हैं तो दोस्तों क्या बनाते हैं, ये एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल, जिसमें सभी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, घुल जाते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं इसमें घुलता, याद रखिएगा, सारे मेटल इसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल, मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, मिल्क की जब बात करते हैं, मिल्क के याद रखेंगे दोस्तों, मिल्क की प्योरिटी किससे मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से। मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिवॉल्यूशन कौन सा आया भैया, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसके फादर कौन, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके फादर। इनका जन्मदिवस कब, 26 नवंबर को। इसी 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे भाई साहब कब मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं कब, 1 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड 1917 में स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन फ्लड मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। मिल्क जो है दोस्तों इसमें लैक्टोज नामक एक दोस्तों क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और दोस्तों मिल्क के लिए याद रखेंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों, ये करनाल में है, इस चीज को भी याद रखेंगे। मिल्क को कर्ड में एक बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। और एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, ये दोस्तों मिल्क के अंदर खट्टापन हो या दही में खट्टापन हो उसके लिए आवश्यक होता है। मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, ये कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किस प्रोटीन के कारण, कैसिन नामक प्रोटीन के कारण, यही मिल्क प्रोटीन का नाम है। और इसे पचाता कौन है, यह रेनिन नामक एंजाइम पचाता है, जो कहां पर मिलता है दोस्तों, जो मिलता है हमारे गैस्ट्रिक जूस या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस। वही जठर रस जो कहां से रिलीज होता है, स्टमक यानी आमाशय से। और दोस्तों इस जठर रस का पीएच मान कितना होता है, इस जठर रस का पीएच मान होता है 1.5। इसी जठर रस में दोस्तों एक एसिड भी होता है जिसे हम लोग एचसीएल कहते हैं। और इस एचसीएल को
क्या कहा जाता है दोस्तों, इस HCl को म्यूटेरिक या क्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है, म्यूटेरिक एसिड या इसे क्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह एरिप्सिन नामक एंजाइम भी दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है, और यह पेप्सिन और ट्रिप्सिन भी किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। यह एरिप्सिन नामक जो एंजाइम है यह कहां से निकलता है, छोटी आंत के कहां से, ड्यूडेनम से, और यह जो पेप्सिन है दोस्तों यह भी स्टमक के जठर रस में होता है, और ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है दोस्तों यह कहां से, पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, इस चीज को याद रखेंगे। हमारा प्रश्न है आपसे, मिल्क का येलो कलर किसके कारण होता है, येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, येलो कलर जो है ये CHSL का प्रीवियस ईयर CHSL का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, CHSL का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। अनुज वर्मा जी, सभी बच्चे शेयर करें वीडियो को, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को क्या कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब भी करेंगे। यहां पर जब बात करता है दोस्तों मिल्क का येलो कलर, ये किसके कारण होता है, ये कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क, जो बफेलो मिल्क है दोस्तों, बफेलो के मिल्क में औसत वसा कितनी होती है, वसा, वसा से याद रखिएगा दोस्तों एक एंजाइम होता है लाइपेज, ये लाइपेज नामक एंजाइम अग्नाशय से निकलता है जो वसा के पाचन में मदद करता है, लेकिन मुख्यतः जो वसा का पाचन किया जाता है वो दोस्तों किसके द्वारा, तो वो किया जाता है बाइल जूस या पित्त रस के द्वारा। वही बाइल जूस दोस्तों जिसका पीएच मान कितना है 7.7, और ये बाइल जूस दोस्तों कहां से निकलता है, ये निकलता है लीवर यानी यकृत से, वही यकृत जिसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। और याद रखेंगे ये जो बाइल जूस है पित्त रस, इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का क्या करना, पाचन करना। और भैंस के दूध में दोस्तों क्या होता है, 7.2% कितना होता है, 7.2% क्या होता है, वसा होता है। याद रखेंगे दोस्तों ये जो पित्त रस है, पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। एकमात्र जूस है हमारे बॉडी के अंदर जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं मिलता, ठीक है। ये दोस्तों प्रिंसराज सिंह जी, जो एसएससी सीएचएसएल का जैसा पेपर होता है सेम वैसा ही पेपर रहेगा, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके बाद करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सभी के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस, बेलारूस का राजधानी कहां पर है, की मिंस्क, वर्सा या विल्नियस, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। मयंक यादव जी बिल्कुल लेकर आएंगे, टेंशन आप ना लें, इसका आप लोग जवाब दीजिए कि जो कैपिटल सिटी है बेलारूस का वो किधर है, आपको ये बताना है। कैपिटल सिटी जो है कहां, क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा इसका, और शेयर भी करते रहिए सभी बच्चे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें। बेलारूस की राजधानी दोस्तों क्या है, तो इसकी राजधानी है मिंस्क। कीव कहां की राजधानी है, कीव दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है। वर्सा कहां की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है, ठीक है ना। और विल्नियस दोस्तों कहां की राजधानी है, याद रखिएगा ये लिथुआनिया, लिथुआनिया जो है इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, विल्नियस है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, पट्टा डक्कल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, पट्टा डक्कल नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों फेस्टिवल मनाया जाता है कौन सा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये फ्लेमिंगो दोस्तों क्या है, एक प्रकार का बर्ड है, याद रखिएगा। ओडिशा के अंदर दोस्तों याद रखिएगा एक जनजाति मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं डोंगरिया, डोंगरिया कोंध, क्या बोलते हैं, डोंगरिया कोंध जनजाति मिलती है यहाँ पर, इसी ओडिशा के अंदर दोस्तों याद रखिएगा। भितरकनिका पार्क है, भितरकनिका पार्क जो है कहां पर है दोस्तों, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है, इसी ओडिशा के अंदर है, इस चीज को आपने याद रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क है, कहां पर, इसी कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क है दोस्तों, इसी कर्नाटक
कर्नाटक में। इसी कर्नाटक में दोस्तों क्या होता है, ये पडक्कल नृत्य त्योहार भी होता है। इसी कर्नाटक में दोस्तों यक्षगान नृत्य भी होता है। यक्षगान कहां पर, यहीं पर होता है। कारागम नृत्य जो होता है दोस्तों यहीं पर होता है, याद रखिएगा। इसी कर्नाटक में दोस्तों सरावती, सरावती नदी के ऊपर क्या है, इसी कर्नाटक में जोग प्रपात, जोग प्रपात जो है जोग फॉल या जिसे हम लोग गोरसप्पा फॉल भी कहते हैं, ये इसी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। इसी कर्नाटक में दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड भी है, जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा गोल्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी कर्नाटक के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसी कर्नाटक के बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और इसी कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भी है, जबकि चेन्नई में याद रखिएगा एस ए चिदम्बरम स्टेडियम है, ये भी आप याद रखेंगे। तेलंगाना के जब हैदराबाद की बात करते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की, इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। जलीकट्टू जो होता है, जलीकट्टू और कौन सा, पोंगल, ये दोनों तमिलनाडु में होता है, जबकि ओनम जिसमें बोट रेसिंग होता है वो कहां पर होता है, केरला में। तेलंगाना के जब हैदराबाद की बात करते हैं, यहां पर कई चीजें हैं। सबसे पहला, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। दूसरी बात, यहां पर एक म्यूजियम है, कौन सा, सलार जंग म्यूजियम। यहीं पर दोस्तों क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, यहीं पर नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहीं पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है, इसी हैदराबाद में है, याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेथेबल पीपीई किट दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने जो सांस लेने वाली पीपीई किट का जो निर्माण किया है, उसको क्या नाम दिया गया है, आप लोगों को ये बताना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इसी तरह आप लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, इतने बच्चे जुड़ गए हैं, कुछ बच्चे और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ब्रेथेबल पीपी किट, पीपी किट जो है दोस्तों, पीपी का मतलब क्या है, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है ना, प्रोटेक्टेबल इक्विपमेंट, ये जो है पीपी किट का पूरा मतलब है। और भारतीय नौसेना ने अभी हाल में कौन सा, तो याद रखिएगा नवरक्षक पीपीई किट जो है दोस्तों, ये इन्होंने तैयार किया है, याद रखिएगा। और भारत पूरे विश्व में पीपीई किट तैयार करने में सेकंड नंबर पर भी आ गया है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। जब दोस्तों सांस लेने की बात करते हैं, तो सांस लेना जो है दोस्तों, ये एक कैसी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और सांस लेने के दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और सांस लेने के दौरान जो दोस्तों ये एटीपी का निर्माण होता है वो किस के कैटाबॉलिज्म से होता है, ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह सभी बच्चे सेशन को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। सवाल आपके देखिए ऐसे ही बनते हैं एग्जाम के अंदर, एक सवाल आपकी गवर्नमेंट स्कीम से जरूर ही पूछा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम से आपका एक सवाल अवश्य पूछा जाता है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए और शेयर को, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। याद रखिएगा अभी अभी उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की बात करी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों अभी हाल में माइग्रेंट कमीशन बनाने की बात करी है। बिहार में दोस्तों याद रखिएगा, बिहार के शाही लीची और जरदालू आम को दोस्तों, जो कि जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, उसको होम डिलीवरी के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ किया है समझौता, इंडियन पोस्ट भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। झारखंड में दोस्तों याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क है और स्वर्णरेखा नदी पर इसी झारखंड में क्या, हुंडरू वाटरफॉल है, हुंडरू जलप्रपात भी है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दोस्तों 10 नेशनल पार्क इसी मध्य प्रदेश में हैं। इसी मध्य प्रदेश में दोस्तों पन्ना, ये किसके लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो डायमंड हमारे देश में उगता है ये कहां पर, इसी पन्ना में। डायमंड की जब बात करते हैं, हीरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, उसके अंदर जो चमक होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, उसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों डायमंड की बात करते हैं, वो सबसे हार्डेस्ट क्या है, एलिमेंट भी है हमारे, मतलब ब्रह्मांड उसमें, ठीक है।
जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, इसका कैपिटल कहाँ है दोस्तों? भोपाल है। इस भोपाल की बात करते हैं तो यहीं पर क्या है, नेशनल सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी मध्य प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। इसी मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, सांची स्तूप भी है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग, ये हमारे 25 सवाल थे। सभी बच्चे एक बार अपने मार्क्स को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। मयंक यादव जी बिल्कुल ले आएंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है, बिल्कुल ले आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सभी बच्चे अपना मार्क्स एक बार क्या करेंगे, बता देंगे, कमेंट कर देंगे किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सभी बच्चों के 20 प्लस मार्क्स आने जरूरी हैं, तभी जीएस पढ़ने का मतलब है, अदरवाइज पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है। कम से कम 20 मार्क्स से ज्यादा आना सभी का आवश्यक है। हर बच्चे प्रयास करेंगे 20 प्लस लाने का, प्रिंस राज राजपूत जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय गुप्ता जी, मुकुल सरकार जी बहुत बढ़िया, मोहित मलिक जी, अमरेश बर्मन जी जीरो, अच्छा ऐसा क्यों। प्रणव पाटिल जी, कोई भी सवाल है आप कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में कोई भी डाउट है मैं उसे कर लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। रुचि कुमारी जी, मयंक यादव जी जीरो है, अच्छा बहुत अच्छे। सभी बच्चे सेशन को क्या करेंगे, लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, है ना। और कोई भी डाउट है आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो मिलता है दोस्तों हम लोग फिर से अगली क्लास में सुबह 6 बजे, ठीक है, करंट अफेयर्स के सेशन में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों ये कभी भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी से परचेज करते हैं तो ये ज्ञान 10 कोड लगाना नहीं भूलेंगे। ज्ञान 10 कोड लगाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। भवेश चौहान जी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।